हेलो एंड वेलकम अगेन। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, देव आनंद राज कपूर और दिलीप कुमार के फिल्म जगत में प्रवेश करने से काफी समय पहले ही 1939 में प्राण कृष्ण सिकंद लाहौर में अपना फिल्म करियर शुरू कर चुके थे। प्राण ने शुरू से ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया विलन के रोल्स में और अपने साथी कलाकारों के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस बनाकर रखने के कारण 50 के दशक के शुरू से ही विलन के रोल्स के लिए ज्यादातर लोगों की पहली पसंद प्राण ही होते थे। उनकी कुछ कामयाब फिल्में अशोक कुमार और फिल्म जगत में महान तिकड़ी के नाम से मशहूर देव आनंद राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ थी, इसलिए थोड़े समय में ही प्राण ने इन तीनों के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस बना लिए। मगर इन तीनों के साथ ही उनके संबंधों के समीकरण अलग अलग तरह के थे। दोस्तों, दिलीप कुमार और प्राण का साथ समय की कसौटी पर उतरा है। प्राण और दिलीप कुमार में कई सिमिलैरिटीज थी, कई समानताएं थी। दोनों ही हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से आए हुए थे। प्राण और दिलीप कुमार को उर्दू और इसकी दिलकश शायरी से बेहद लगाव था। दोनों को ही संगीत का शौक था। दोनों ही जिंदगी की उम्दा चीजें एंजॉय करते थे और दोनों ही फिल्मों को, सिनेमा को कमिटेड थे। दोस्तों, प्राण को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका कब मिला? बॉम्बे में एस्टैब्लिश होने के काफी सालों बाद प्राण को दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद ही दोनों में जान पहचान और दोस्ती बढ़ी। दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद, जो 1955 में रिलीज हुई। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद, जो 1955 में रिलीज हुई थी। कोयम्बटूर तमिलनाडु में लगातार काम करके 3 महीनों में फिल्म पूरी करने के मकसद से प्रोड्यूसर SM श्री रामुलु नायडू ने किसी भी कलाकार को थोड़े समय के लिए भी शहर छोड़ने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए उत्तर और दक्षिण की भाषा और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से फुर्सत के समय को बॉम्बे के सभी कलाकार एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। साउथ की कई फिल्मों के सेट पे और आउटडोर शूटिंग के दौरान भी प्राण और दिलीप कुमार की दोस्ती को पनपने का मौका मिला। उसके बाद एक और फिल्म आई, बिमल रॉय की देवदास। इसमें दिलीप कुमार, वैजंती माला, सुचित्रा सेन और मोतीलाल थे। इस फिल्म में प्राण का एक छोटा सा रोल था। उन्होंने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। इस तरह प्राण साहब और दिलीप कुमार साहब को समय मिलता गया, मौके मिलते गए और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। एंड दिस इज दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1958 में एक फिल्म आई, बिमल रॉय की मधुमती, एक ऑल टाइम क्लासिक। इस फिल्म का संगीत सदाबहार, संगीतकार थे सलील चौधरी, गाने लाजवाब और बहुत बहुत खूबसूरत। फिल्म मधुमती में दिलीप कुमार, वैजंती माला, जॉनी वॉकर और प्राण थे। और इस फिल्म के डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, बिमल रॉय थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार और प्राण द्वारा एनेक्टेड कैरेक्टर्स का आमना सामना कम ही हुआ। उनके किरदार आमने सामने बहुत कम आए इस फिल्म में, लेकिन जिन सीन्स में भी उनका आमना सामना हुआ, उन सीन्स का मकसद था दिलीप कुमार और प्राण के कैरेक्टर्स में छुपी हुई दुश्मनी को प्रकट करना। दोस्तों, मधुमती एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और दिलीप कुमार, वैजंती माला, जॉनी वॉकर, प्राण सभी ने इस फिल्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया था। इसके बाद एक और फिल्म आई दोस्तों, ये फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म में भी दिलीप कुमार के साथ
प्राण साहब भी थे और इस फिल्म में उनके काफी सीन्स एक साथ थे। इस फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट दिलीप कुमार के ही थे। डायरेक्टर के तौर पे फिल्म के निर्माता एआर करदार का ही नाम दिया गया था, लेकिन ये सच्चाई थी कि डायरेक्शन में भी दिलीप कुमार साहब ही ध्यान दे रहे थे। दोस्तों हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, दिल दिया दर्द लिया बॉक्स ऑफिस पे कोई चमत्कार नहीं दिखा पाई, लेकिन प्राण का रोल खास था। ये उनके बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक था और ये फिल्म आज भी प्राण साहब के अपने फेवरेट फिल्मों में से एक है। लेकिन प्राण साहब इस बात को जरूर मानते हैं कि दिल दिया दर्द लिया में उनका परफॉर्मेंस दिलीप साहब के कारण ही इतना अच्छा हुआ और वो उसकी वजह बताते हैं। कई फिल्मों में प्राण कभी जोर से नहीं हंसे, मगर फिल्म दिल दिया दर्द लिया के किरदार की ये मांग थी। ये एकमात्र फिल्म थी जिसमें प्राण के किरदार की दुष्टता को और ज्यादा ऊंचाइयां देने के लिए द्वेषपूर्ण अट्टहास का इस्तेमाल किया है और दिलीप साहब ने इस काम में प्राण साहब की काफी मदद की। उनकी ये राय थी हर सीन में अपनी पूर्णता होनी चाहिए, तभी वो सीन बेहतर बनेगी। सीन में मौजूद हर कलाकार जब बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है तो वो सीन अच्छा बन जाता है, इसलिए वो सीन या साथी कलाकारों पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालते थे। वो दूसरे कलाकार द्वारा अपना काम और बेहतर करने की गुहार लगाने पे भी बार बार रीटेक नहीं करते। दिलीप कुमार अपने पेशे और फन के पक्के उस्ताद हैं और प्राण साहब उनकी बहुत इज्जत करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों दिलीप साहब खुद अपने हाथों से मेकअप करते थे और बेहतरीन और उम्दा काम करते थे। उन्होंने प्राण साहब के लिए जबरदस्त डायलॉग लिखे, लेकिन प्राण साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से डायलॉग्स बोले, बल्कि वे नम्रता से हमेशा यही कहते, दिलीप साहब ने मुझसे कितनी अच्छी तरह से काम लिया। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, किसी भी क्रिएटिव काम में दोनों ही ओर से एक दूसरे के काम में मदद मिलती है। जब प्राण अपने काम के फ्लो में होते वो बहुत इफेक्टिव होते, बहुत प्रभावशाली होते, और जैसा कि प्राण कहते हैं उनके काम में उन्हें दिलीप कुमार से मदद मिली और वैसे ही दिलीप कुमार को भी प्राण के हुनर से उनकी महारत से काफी फायदा हुआ। किसी भी शॉट के बाद वो प्राण की परख के कारण उनकी तरफ देखकर ये निश्चित करते कि शॉट ठीक हुआ है या नहीं। दिलीप कुमार और प्राण आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते और फिर अगले शॉट की तैयारी करते। ये बातें हो रही हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों फिल्म दिल दिया दर्द लिया का शूटिंग हो रहा था पश्चिमी मध्य प्रदेश में। वहां पे कुछ दिलचस्प घटनाएं घटी। मालवा रियासत की राजधानी मांडू के एक दुर्गम महल को फिल्म के लिए शानदार बैकग्राउंड देने के लिए मालवा रियासत की राजधानी मांडू के एक दुर्गम महल को फिल्म के लिए शानदार बैकग्राउंड देने के लिए चुना गया। जहाज महल के एक हिस्से को जिसमें सदियों पहले राजा बाज बहादुर रहते थे, 60 के दशक के शुरू में एक मॉडर्न गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया था। उसके नजदीक ही आज भी बाज बहादुर की प्यारी रानी रूपमती को नाचते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों प्रोड्यूसर डायरेक्टर एआर करदार प्राण के साथ 80 लोगों की एक विशाल यूनिट के साथ दिल दिया दर्द लिया की शूटिंग के लिए लगभग एक महीने तक मांडू में रहे। जब शूटिंग नहीं हो रही होती तो प्राण अपने हंसी मजाक से सबको हंसाते रहते। जब एआर करदार लोकेशन पर पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। मांडू में अपनी पहली रात को एआर करदार ने सपने में रानी रूपमती को नाचते हुए देखा। अगली सुबह वो एक बुलबुल की तरह चहक रहे थे, लेकिन अगले ही दिन वो एकदम खामोश हो गए। प्राण ने इसका बड़ा ही मजेदार कारण बताते हुए कहा लगता है
पिछली रात एआर कदार के सपने में बाज बहादुर आ गए थे। इस तरह हंसी ठिठोली से प्राण आउटडोर शूटिंग के लंबे थकान भरे दिनों में भी यूनिट के हर मेंबर को खुश और तरोताजा बनाए रखते। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार और प्राण ने एक और यादगार फिल्म की, बी नागी रेड्डी की राम और श्याम। डायरेक्टर के तौर पे किसी और का नाम होने पे भी असल काम दिलीप कुमार ही करते थे। वो साथी कलाकारों को उनके काम में मदद करते थे। पर्सनल लेवल पे भी प्राण के और उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। राम और श्याम में दिलीप कुमार ने जुड़वा भाइयों राम और श्याम की भूमिका निभाई थी, जो अपने जीजा गजेंद्र की साजिश से बचने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र का रोल प्राण ने बड़ी कुशलता से अदा किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी कि दोनों काफी सीन्स में आमने सामने थे। दिलीप कुमार और प्राण के मारपीट के सीन्स, फाइट सीन्स, बड़ी चतुराई से पिक्चराइज किए गए थे। जिन सीन्स में गजेंद्र राम को यानी दिलीप कुमार को चाबुक से मारते हैं, वो इतने प्रभावशाली थे, इतने इफेक्टिव थे कि चाबुक की हर चोट पे दर्शक तड़प उठते। दोस्तों, फिल्म राम और श्याम में प्राण ने ऑडियंस को सचमुच डरा दिया था। जब प्राण दिलीप कुमार को पीटने के लिए चाबुक लेकर आते तो देखने वाले अंदर तक सिहर उठते थे, कांप उठते थे। गजेंद्र यानी प्राण के लिए दर्शकों के दिल में इतनी दहशत और नफरत भर गई थी कि जब दिलीप कुमार यानी श्याम पलटवार करते हुए उन्हें उन्हीं के उसी चाबुक से मारते हैं तो दर्शक तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी जाहिर करते थे। राम और श्याम, दिलीप कुमार यानी राम और श्याम और प्राण यानी गजेंद्र, यादगार रोल्स, यादगार फिल्म। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ प्राण की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी आदमी, जिसके डायरेक्टर थे ए भीम से। इसमें उनके साथी कलाकार थे मनोज कुमार, वहीद रहमान और सिम्मी। दोस्तों, फिल्म आदमी का सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस हद तक कि एक युवक जिसे उपहार में करोड़ों की दौलत मिली, उसके उपकार का बदला चुकाने के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देता है। इस रोल के लिए पहले धर्मेंद्र को चुना गया था, लेकिन उनके आखिरी समय पे इनकार कर देने पे मनोज कुमार ने ये भूमिका निभाई। दोस्तों, मनोज कुमार आज भी मानते हैं कि वो दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन हैं और खुद दिलीप कुमार ने उनसे आदमी में काम करने का आग्रह किया था, ये जानते हुए भी कि उनके आदर्श अभिनेता दिलीप कुमार उन पे पूरी तरह छा जाएंगे। क्या मनोज कुमार ने इतने महान कलाकार के आग्रह पे ये रोल एक्सेप्ट कर लिया? नहीं दोस्तों, मनोज कुमार ने ये रोल प्राण के कहने से किया था। दरअसल प्राण ने ही फिल्म के प्रोड्यूसर वीरप्पा को इस रोल के लिए धर्मेंद्र का नाम सुझाया था, इसलिए अचानक बिना कोई कारण बताए धर्मेंद्र के इस फिल्म से हट जाने पे प्राण को बहुत बुरा लगा और प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्राण ने मनोज कुमार को ये रोल करने के लिए राजी कर लिया और मनोज कुमार ने वो रोल किया, खुशी से किया, क्योंकि उनके आदर्श दिलीप कुमार इस फिल्म के हीरो थे और प्राण साहब उनके करीबी दोस्त हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार और प्राण के संबंध हमेशा ही बहुत अच्छे रहे। इन दोनों के बंगलोज एक दूसरे से लगभग आधा किलोमीटर के फासले पे हैं। दोनों के बंगले पाली हिल बांद्रा मुंबई में हैं। उस समय दिलीप कुमार की शादी नहीं हुई थी और वो अपना ज्यादा समय अपने फैमिली और दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते थे। उनकी पार्टीज इतनी इनफॉर्मल हुआ करती थी कि हंसी मजाक और बातों के बीच
वो लोग डम शराब ही खेलते थे। सारे परिवार पे खेल का जोश चढ़ जाता था। दो टीम्स बनाई जाती और इनमें प्राण और उनकी बीवी और दिलीप कुमार साहब भी शामिल हो जाते। मूक अभिनय के लिए दिलीप साहब सचमुच फिल्मों के कितने मुश्किल और अटपटे नाम देते थे, जैसे उन्होंने एक बार नाम दिया फट, जो शायद उन्हीं का बनाया हुआ था, लेकिन वो ये समझाने की कोशिश करते रहे कि इस नाम की फिल्म है, ये साइलेंसर लगे गन के चलने पे होने जैसी आवाज थी। दोस्तों, प्राण और उनकी बीवी शुक्ला दरिया दिल थे। शराब और उम्दा भोजन के साथ ऐसी खुशगवार पारिवारिक शामें पूरी होती। क्योंकि दिलीप कुमार काफी लंबे समय से अपने शादी की बात टालते आ रहे थे और बड़ी चतुराई से किसी भी लड़की या उसके पेरेंट्स द्वारा दिया गया शादी का प्रपोजल लौटा देते थे, इसलिए उनके सभी दोस्तों के लिए उनकी शादी एक बड़ी खुशी और उत्सव का मौका था। दिलीप कुमार की शादी और उनके दोस्तों के उत्सव मनाने के बारे में बातें और भी। इस दिल से मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब दिलीप कुमार ने नसीम बानू को उनकी बेटी सायरा बानू से शादी करने की रजामंदी दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, और 2 अक्टूबर 1966 को सगाई की रस्म अदा की, तो उस मौके पे मौजूद क्लोज फ्रेंड्स में प्राण भी शामिल थे। दिलीप कुमार की शादी 11 अक्टूबर 1966 को होनी तय हुई। सभी क्लोज फ्रेंड्स ने उनकी शादी में शरीक होने की हर मुमकिन कोशिश की। जिस दिन दिलीप कुमार सायरा बानू की शादी थी, प्राण कश्मीर में थे और वहां जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह दिलीप कुमार सायरा बानू की शादी में शामिल होने के लिए बॉम्बे पहुंचना था। खराब मौसम होने के कारण सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। तभी प्राण साहब को दिलीप कुमार का फोन आया और उन्होंने कहा कि आज उनकी शादी हो रही है और उनको आना ही होगा। दिलीप कुमार की शादी में शामिल होने के लिए कश्मीर से बॉम्बे तक की यात्रा भी प्राण साहब के लिए कम रोमांचक नहीं थी। चमत्कारिक ढंग से बारिश थम गई और वो दिल्ली पहुंच गए, मगर दिल्ली से बॉम्बे की फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी। प्राण को बड़ी बेचैनी हो रही थी। दोस्तों, तभी वहां दो सरदार जी पहुंचे, जो एयरपोर्ट पे उनसे मिलने आए उनके दोस्त स्वराज सूरी के वाकिफ थे। पता चला कि उनमें से एक उसी फ्लाइट से बॉम्बे जाने वाले हैं जिसमें प्राण जाना चाहते थे। सूरी ने सरदार जी से कहा, प्राण साहब बड़ी मुश्किल में हैं, उन्हें दिलीप साहब की शादी में शामिल होने के लिए इसी फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, मगर उन्हें टिकट नहीं मिल रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, प्राण साहब को हर हालत में बॉम्बे पहुंचना था। दिलीप कुमार सायरा बानू की शादी अटेंड करनी थी, लेकिन उन्हें दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा था। उनके दोस्त के दो वाकिफ एयरपोर्ट पे आए हुए थे, दो सरदार जी, उनमें से एक को बॉम्बे जाना था, और उनके दोस्त यानी प्राण साहब के दोस्त ने सरदार जी से कहा प्राण साहब बड़ी मुश्किल में हैं, उन्हें दिलीप साहब की शादी में शामिल होने के लिए इसी फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, मगर उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। सरदार जी ने फौरन कहा, हम आपको अपनी टिकट दे देते हैं। उन्होंने अपने लिए अगली सुबह की टिकट ले ली और उस फ्लाइट की अपनी टिकट प्राण साहब को दे दी, लेकिन सरदार जी का लगेज ऑलरेडी चेक इन हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपना बोर्डिंग पास और बैगेज टोकन प्राण साहब को दे दिया और उनसे कहा कि उनका लगेज वो कल उनके घर से ले जाएंगे। इस तरह आखिरकार प्राण उसी दिन बॉम्बे पहुंच गए, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, बॉम्बे एयरपोर्ट पे कन्वेयर बेल्ट से सरदार जी का लगेज लेना भूल गए। वो घर पहुंचे और जल्दी से नहाकर शादी अटेंड करने पहुंच गए। वो सरदार जी के लगेज को पूरी तरह भूल चुके थे। दोस्तों, शादी के समय न्यूली मैरिड कपल से शरारत से भरा हंसी मजाक किया जाता है। दिलीप कुमार के दोस्तों ने भी ऐसा ही कुछ करने की ठानी। राज कपूर, प्राण और बाकी दोस्तों ने पहले तो जमकर शराब पी, फिर शोर मचाते हुए उनके बेडरूम के दरवाजे पे जाकर जोरदार दस्तक दी और सुहाग रात में जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर दिलीप कुमार को सबसे दुआ सलाम करने पे मजबूर किया। शायद ये उन लोगों की अपने दोस्त
दिलीप कुमार के साथ आखिरी शरारत थी जो एक अकेले कुंवारे लड़के से बदलकर एक युवा और सुंदर पत्नी के पति बन गए। इस चट मंगनी और पट शादी के बाद दिलीप कुमार और सारा बानो अपने हनीमून के लिए मद्रास गए, जहां दिलीप कुमार को राम और शाम शूटिंग भी करनी थी और प्राण को भी वहां अपने काम पे पहुंचना था। इस तरह उनकी सगाई में, शादी में और यहां तक कि हनीमून में भी प्राण दिलीप कुमार सारा बानो के साथ थे। लेकिन दोस्तों, सरदार जी के लगेज का क्या हुआ? क्या प्राण साहब को उनका लगेज याद आया? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार की शादी अटेंड करने के लिए जब प्राण कश्मीर से निकले, दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि बॉम्बे के लिए कोई टिकट अवेलेबल नहीं था। तब उनके दोस्त जो उनसे मिलने आए थे एयरपोर्ट पे, उनके दो वाकिफ सरदार वहां पे उन्हें नजर आए, उनमें से एक जा रहे थे बॉम्बे। तब सुरी ने, यानी प्राण साहब के दोस्त ने, सरदार जी से कहा कि प्राण साहब बड़ी मुश्किल में हैं, उन्हें दिलीप साहब की शादी में शामिल होने के लिए इसी फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है, मगर उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। सरदार जी ने फौरन कहा, हम आपको अपनी टिकट दे देते हैं। उन्होंने अपने लिए अगली सुबह की टिकट ले ली और उस फ्लाइट की अपनी टिकट प्राण साहब को दे दी। लेकिन वो अपना लगेज ऑलरेडी चेक इन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना बोर्डिंग पास और लगेज का टोकन प्राण साहब को दे दिया और उनसे कहा कि वो अपना सामान उनसे कल ले जाएंगे। लेकिन बॉम्बे पहुंचने के बाद, क्योंकि जल्दबाजी थी, प्राण साहब सरदार जी का लगेज एयरपोर्ट से लेना भूल गए। उन्होंने दिलीप कुमार की शादी अटेंड की, एंजॉय की और सरदार जी के लगेज को भूल गए। सरदार जी के लगेज का क्या हुआ? दिलीप कुमार और सारा की शादी के बाद अगली सुबह जब प्राण साहब सोकर उठे तो उनकी पत्नी शुक्ला ने उन्हें बताया कि किसी सरदार जी का फोन आया था और वो अपने सामान के बारे में पूछ रहे थे। तब उन्हें याद आया कि वो सरदार जी का सामान तो हवाई अड्डे पे ही, तो एयरपोर्ट पे ही भूल आए थे। उन्होंने फौरन एयरपोर्ट पे फोन किया, गनीमत थी कि लगेज वहां मिल गया और तब उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सरदार जी को फोन किया और सरदार जी उनसे मिले और सरदार जी अपना लगेज ले गए। प्राण साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें चाय पिलाई, उनसे बातें की और सरदार जी वहां से चले गए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ प्राण की और भी कई फिल्में थी, साधु और शैतान, जिसमें दिलीप कुमार गेस्ट आर्टिस्ट थे। एक और फिल्म आई गोपी, इसके डायरेक्टर थे ए भीम सिंह और इस फिल्म की हीरोइन थी सायरा बानो। लंबे अरसे के बाद दिलीप कुमार और प्राण ने यश जौहर की फिल्म दुनिया में एक साथ काम किया, इस फिल्म में भी सायरा बानो थी। दिलीप कुमार के साथ प्राण की आखिरी फिल्म 1986 में रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम था धर्म अधिकारी। प्राण ने दिलीप कुमार साहब के साथ काफी फिल्मों में काम किया, 50 साल से ज्यादा समय से उनकी उनसे अच्छी दोस्ती है। पहले वो अक्सर मिला करते थे, उनकी मुलाकातें अक्सर हुआ करती थी, हफ्ते में 2 या 3 बार, लेकिन अब उनकी मुलाकातें कम हो गई हैं। इसके बावजूद उनकी दोस्ती पहले की तरह ही बरकरार है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्राण साहब से जब पूछा गया कि एक विलन की जीवन छवि के क्रिएट करने में उन्हें सबसे ज्यादा मदद किसकी रही या अपने किस गुण के कारण खलनायक की जीवन छवि क्रिएट करने में वो कामयाब रहे, तो प्राण साहब ने लॉजिकल जवाब दिया। उनका कहना था कि उनकी आवाज और उसे बदलने के स्किल का उनकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, ऐसे कलाकार बहुत ही कम होते हैं जो रोल की जरूरत के मुताबिक अपनी आवाज बदल सकते हैं, और प्राण साहब ऐसा आसानी से करते रहे हैं। आवाज के अलावा प्राण साहब ने अपनी असाधारण आंखों से किरदार की लालच, तिरस्कार, घृणा, क्रोध, कुटिलता, निष्ठुरता, इन सभी अंतर्भावों को बखूबी स्क्रीन पे पेश किया है। दोस्तों, प्राण ने विलेन के कैरेक्टर्स का इतना सटीक और सजीव प्रेजेंटेशन किया कि उनका नाम दुष्टता और दुष्चरित्रता का पर्याय बन गया। उन्हें लगातार खलनायक की भूमिकाओं में देखते हुए दर्शक न केवल
उनके किरदारों से बल्कि वास्तव में उनसे और उनके नाम से भी इतने भयभीत हो गए थे, इतने डरे हुए थे कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्राण के फैंस कुछ स्टूडेंट्स इलाहाबाद से मुंबई आए और उन्होंने प्राण से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो प्राण ने उन्हें अपने घर चाय पे इनवाइट किया। उन लोगों ने प्राण को बताया कि उनका एक फैन क्लब है और उन लोगों ने गौर किया कि उनके फैन क्लब के किसी भी मेंबर का नाम प्राण नहीं है। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने पूरे कॉलेज का रजिस्टर देखा तो उसमें भी प्राण नाम का कोई स्टूडेंट नहीं मिला। फिर उन्होंने इलाहाबाद के और सभी कॉलेजेस में प्राण नाम के स्टूडेंट की तलाश की, लेकिन उन्हें इस काम में असफलता ही हाथ लगी। उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस के रजिस्टर्स छान मारे, लेकिन प्राण नाम का एक भी स्टूडेंट कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं पा सके। दोस्तों, पुराने रजिस्टर्स देखने से यह हकीकत सामने आई कि 1956 से यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्राण नाम के किसी स्टूडेंट ने भी एडमिशन नहीं लिया। इस पर दिलीप कुमार साहब प्राण के बारे में कहते हैं कि यह उनका सबसे बड़ा अभिनंदन और सबसे बड़ी प्रशंसा है। दिलीप कुमार साहब मानते हैं कि रावण के बाद प्राण ही ऐसा नाम सामने आया है जिसे लोग अपने बच्चों के लिए रखने से परहेज करते हैं। जब तक प्राण फिल्मों में विलन के रूप में छाए रहे, लोग अपने बच्चों के नाम अलग अलग देवताओं और पौराणिक कैरेक्टर्स के नाम पर रखते, मगर किसी ने भी अपने बच्चे का नाम प्राण रखने की रिस्क नहीं ली, क्योंकि इस नाम को लोग दुष्टता का पर्याय मानने लगे थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ डॉक्टर निशिता के क्लिनिक में अपनी आंखों की जांच कराने आए। चूंकि डॉक्टर का काम आंखों की जांच करना है, इसलिए उन्होंने उनके नाम या चेहरे की तरफ गौर नहीं किया। डॉक्टर निशिता के असिस्टेंट ने उनकी आंखों का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए उनकी आंखों में दवा की बूंदें डाल दी और उन्हें वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार करने को कहा। जैसे ही वो व्यक्ति डॉक्टर निशिता के चेंबर से निकले, उनके असिस्टेंट ने उत्सुकता से उनसे पूछा, आपने पहचाना वो कौन थे? अभी अभी आपने जिनकी आंखों की जांच की, वो एक्टर लेजेंडरी प्राण थे। वो लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब थे। डॉक्टर निशिता चकित हो गई, इसलिए उन्हें दोबारा देखने के लिए वो वेटिंग रूम में गई। उन्होंने देखा कि दवा को अपना काम करने देने के लिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्हें यह पता नहीं चला कि डॉक्टर निशिता उन्हें देखने वहां आई हैं। उनके बारे में डॉक्टर की कुछ अपनी ही कॉन्सेप्ट्स थी, कुछ धारणाएं थी, लेकिन जब वो उनसे मिली तो उन्होंने पाया कि प्राण साहब उनके जहन में बनी अपनी छवि से, अपने इमेज से पूरी तरह अलग इंसान है, पूरी तरह अलग शख्स है। डॉक्टर ने महसूस किया कि एक एक्टर स्क्रीन पे जिस तरह से किरदार पेश करता है, इनेक्ट करता है, अवाम के जहन में उसकी उसी तरह की छवि बन जाती है, उसी तरह का इमेज बन जाता है। लेकिन इस हकीकत के बावजूद उनके क्लिनिक में बैठे व्यक्ति कुछ अलग ही थे। वो बिल्कुल सरल और शांत थे। जब दिलीप कुमार साहब को यह बात पता चली तो वो मुस्कुराए और कहा कि प्राण साहब जैसा सज्जन खलनायक और कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, उस डॉक्टर ने फैसला किया, डॉक्टर निशिता ने, कि अगर अब उनके कोई बेटा पैदा होगा तो वो उसका नाम प्राण ही रखेंगी। दिस इज दिल से
मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दिलीप कुमार और प्राण साहब आर्टिस्ट होने पे फख्र महसूस करते हैं। वो एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, इसका उन्हें गौरव है। फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें उनकी ख्वाहिशों और कल्पनाओं से कहीं ज्यादा दिया है। अपने कलीग्स, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, वर्कर्स, उनके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें अपने फैंस का प्यार मिला, उनकी प्रशंसा मिली। दिलीप कुमार साहब और प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री को सलाम करते हैं। फिल्मों में अपने लंबे करियर के बारे में प्राण साहब कहते हैं, खुदा तौफीक देता है जिन्हें, वो ये समझते हैं कि खुद अपने ही हाथों से बना करती हैं तकदीरें। खुदा तौफीक देता है जिन्हें, वो ये समझते हैं कि खुद अपने ही हाथों से बना करती हैं तकदीरें। दिलीप कुमार साहब और प्राण साहब खुदा का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और मानते हैं कि कलीग्स और फैंस के प्रेम की वजह से उन्हें इतना लंबा करियर मिला। गुजरे हुए जमाने का अब तज़किरा ही क्या, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। गुजरे हुए जमाने का अब तज़किरा ही क्या, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।